नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है और ऐसे में हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक सभ्य और एक सुलझा हुआ इंसान होने के नाते हम अपना जो कोविड टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी ये चीज़ करने के लिए प्रेरित करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, UGC नेट हिंदी की हमारी तैयारियाँ चली हैं और इसके अंतर्गत हम इकाई 5 पढ़ रहे हैं, हिंदी कविता। और हिंदी कविता वाले पोर्शन में हमने इससे पहले नागार्जुन और अज्ञेय की कुछ एक कविताएं डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इकाई 5 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन विषय है, देखिए, वो है इकाई 5 हिंदी कविता और यह दीप अकेला, जो अज्ञेय की कविताएं हम कर रहे हैं। और इससे पहले हमने अज्ञेय की जो एक महत्वपूर्ण जो कविता है, देखिए, इनकी सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक जो कलगी बाजरे की कविता है उसको हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हमने इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, देखिए, यह दीप अकेला रखी है, तो इसकी हम आज व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इस कविता के अंदर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि UGC नेट हिंदी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है वो आपके बीच में रखी है, जिसमें हमने 2004 से लेकर के 2020 तक के चुनिंदा जो प्रश्न हैं 1000 उनको रखा है और उनको हमने व्याख्या सहित एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहां से आप सीधे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और यहां से हम जान लेते हैं, देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध ये कविता है यह दीप अकेला है, ठीक है। तो अज्ञेय जो आप मानते हैं उनको, जो प्रयोगवादी साहित्यकार या रचनाकार माना जाता है उनको, है ना, प्रयोगवाद का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। हालांकि अज्ञेय के बारे में हमने अपने पीछे वाले लेक्चर में विस्तार से जान लिया था कि अज्ञेय ने कौन कौन सी कृतियां रची हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, संपूर्ण जो 17 उनके काव्य संग्रह हैं उनको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ पर आप अज्ञेय के बारे में जान सकते हैं कि इनके 17 जो काव्य संग्रह है उनको आप एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारे पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज हम इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, देखिए, यह दीप अकेला, जिसका जो रचनाकाल है, देखिए, 1952 में इसको लिखा गया था और यह जो काव्य संग्रह है, देखिए, बावरा अहेरी, 1952 में ही इनका जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ बावरा अहेरी, उसमें यह कविता इनकी संकलित है, यह दीप अकेला है, ठीक है। तो एक चीज आप देखेंगे, जो आपका प्रयोगवाद है वो व्यष्टि और समष्टि उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है और ये कविता इस चीज को सही ठहराती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज से कटकर, वो व्यष्टि जो है समष्टि से कटकर नहीं रह सकता, है ना। इसलिए इन्होंने इस कविता के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश इन्होंने की हुई है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि इस कविता में क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों को उन्होंने, जो दीपक है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि वो एक क्या है, वो एक सृजनशील व्यक्ति है ना, जो प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर हुनर है, यह दीप अकेला। कि जो प्रतिभाशाली या सृजनशील व्यक्ति है वो क्या है, उसको पंक्ति को दे देना चाहिए, मतलब पंक्ति से अभिप्राय है कि वो समाज है ना, पंक्ति क्या है, समाज का प्रतीक है, ऐसी कुछ इसकी पंक्तियां हैं। आगे हम इसको विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये जो पहली पंक्ति है, देखिए, यहां पर रखी गई है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यहां पर जो दीपक है वो क्या है, वो आपका जो हुनरशील, जो प्रतिभावान व्यक्ति है, ठीक है, उसका प्रतीक है ये दीप, ठीक है, प्रतीकात्मक ये कविता है इनकी। एंड आगे ये क्या कह रहे हैं, है यह दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह का मतलब दीप स्नेह, तो दो चीजें हैं। देखिए, स्नेह को आप मान लीजिए कि तेल है उसमें, एक तरीके से जब जैसे दीपक में होता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि यह दीप अकेला है, कि जो जो आपका सृजनशील व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना, हुनरमंद जो व्यक्ति है वो क्या है, वो अकेला है, स्नेह भरा, कि उसके अंदर तेल भरा है लेकिन वो फिर भी क्या है, अकेला है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है ना, और वो अकेला है,
ठीक है, स्नेह भरा है। स्नेह का मतलब है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, जिस प्रकार दीपक में तेल भरा होता है उसी तरह उसी उसमें क्या है, शक्ति भरी हुई है, प्रतिभा भरी है, हुनर भरा है, योग्यता उसके अंदर है। ये चीज़ यहाँ पर कहने की बात कही गई है गर्व भरा मदमाता, कि उसमें गर्व है, अभिमान है, मदमाता थोड़ा सा उसमें अभिमान भी है और मदमस्त है वो, अपने चूर है एक तरीके से अपने अभिमान में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर पंक्ति से मतलब क्या है कि जो आपका समष्टि है, तो व्यष्टि और समष्टि है ना, इसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए ये आप प्रयोग बाद में याद रख लीजिए कि इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए जरूरी है, ये अज्ञेय मानते हैं, यहाँ से इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो व्यक्ति और समाज है, देखिए उनका एक दूसरे से क्या है, अटूट संबंध है, अभिन्न है वो एक दूसरे से, है ना, अनुपूरक है वो, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता और व्यक्ति जो है समाज से ही है ना। अरस्तु ने कही है ना ये बात कि व्यक्ति क्या है, जो वो है समाज के बिना नहीं रह सकता, अगर कोई रहता है या तो वो ईश्वर है या फिर वो क्या है, पशु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यही कही गई है कि ये जो दीपक है, ये अकेला जो व्यक्ति है, प्रतिभाशाली हुनरमंद जो व्यक्ति है, जो स्नेह से भरा हुआ है, जो प्रतिभावान है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, कि उसे भी क्या है, पंक्ति को दे दो, समाज में मिल जाना चाहिए, ताकि समाज को जो है नई दिशा और नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिल सके, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर पहले की तीन पंक्तियों में कहने की बात अज्ञेय जी ने की है, और इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक मतलब शब्दार्थ यह हुआ इसका कि जो दीपक है उसको भी दीपों की कतार में आ जाना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा प्रकाशमान वातावरण को कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हुनरमंद जो व्यक्ति है उसको भी क्या है, समाज के काम आना चाहिए, ताकि समाज की समृद्धि में चार चांद लग जाएं। ये चीज़ यहाँ पर अज्ञेय जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी चीज़ या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे साथ वो भी साझा कर सकते हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुल गाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो देखिए यहाँ पर जो क्रांति की आग है उसको सुलगाने की बात यहाँ पर की गई है, कि ये जो अकेला इकलौता व्यक्ति है वही क्या कर सकता है, जो हठीला है ना, जिसके अंदर एक तरीके से हम देखते हैं कि थोड़े सा उसमें क्या है, हठ है, हठधर्मिता है ना। हठ क्या मतलब कि वो अपने काम के प्रति क्या है, बिल्कुल प्रतिबद्ध है, ठीक है, जिद्दी है ना, उसमें जिद होना बड़ा जरूरी होता है प्रतिभाशील व्यक्ति में, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हम देखेंगे कि जो क्रांति की आग है उसको इन्होंने बताया है कि वही क्या है, ला सकता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे गीत गाता है कि फिर कोई और वैसा नहीं गा सकता, ठीक है, कुशल है वो, मतलब एक तरीके से है ना। तो गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, कि वो ऐसे गीत, ऐसी रचनाएं, ऐसा सृजन कर रहा है कि जिसे और कोई नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को जो है समाज के लिए योगदान देना चाहिए, समाज से कटकर उसे नहीं रहना चाहिए। पंडुबा, पंडुबा का मतलब है गोताखोर, मतलब ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, ठीक है। जो कृति का मतलब है कुशल व्यक्ति, ठीक है, कि ऐसा ये गोताखोर है जो समुद्र में डूबकर या गोता लगाकर सच्चे मोती जो लाता है, फिर कौन कृति ऐसा लाएगा, कि मतलब जो ये ऐसा जो गोताखोर है जो समाज में रहकर क्या चीज़ें कर रहा है, जो समाज को आगे की ओर ले जाने की बात करता है, जो प्रतिभावान है ना, ऐसी चीज़, ऐसे सच्चे मोती फिर कोई और नहीं ला सकता, जो आपका कुशल व्यक्ति है वो भी ऐसी चीज़ कैसे लाएगा अगर इसका साथ उसको ना मिले। तो ये कहने का मतलब है, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह समिधा, समिधा होता है आपका यज्ञ की लकड़ी एक तरीके से, जो पवित्र लकड़ी है, ऐसी आग हठीला कि मतलब वो ऐसा है जो हठी है ना, बिरला सुलगाएगा, बिरला मतलब आपका कोई और जिसकी तरह ना हो, है ना, ऐसे लोग बिरले ही मिलते, मतलब कम, कि ऐसी आग हठीला मतलब जो क्रांति की आग को सुलगाने वाला, ये ऐसी पवित्र जो अग्नि, जो यज्ञ की आग है उसको सुलगाने वाला है एक तरीके से, मतलब कि बहुत ही हठीला है, हठ
धर्मिता जिसके अंदर है, बिरला ही इस आग को कोई फिर सुलगाएगा, जो जोश जो जुनून उसमें है, उस प्रतिभाशाली व्यक्ति में। ठीक है, ये यहाँ पर कहने की बात कही गई है। यह अद्वितीय, अद्वितीय मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं है, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। तो मतलब देखिए क्या कह रहे हैं कि यह अद्वितीय है, इसके समान कोई नहीं है, लेकिन यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, कि मेरा है। ठीक है, अपने में स्वयं विसर्जित, मैं का मतलब अपने में, ठीक है, और यह स्वयं में ही विसर्जित है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर देखिए कहने की कोशिश इसमें की है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक है, फिर से वही बात कह रहे हैं कि ये जो ऐसा अदीप है, ऐसा जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसको समाज के लिए आगे आना चाहिए, जो अद्वितीय है ना, वह स्वयं में ही विसर्जित है ना, ये चीज यहाँ पर कही गई है। देखिए, तो ये अज्ञेय का जो प्रसिद्ध कविता है, यह दीप अकेला, उसका जो पहला अंश है। आगे देखिए, इसके पश्चात आगे ये क्या कहते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो अलग अलग उपमानों से जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उसको इन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश इसमें की है, कि जो आपका प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो किस तरीके से है, वो मधु के समान है, गोरस के समान है, आपका मतलब शहद के समान है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि मक्खन के समान है। ठीक है, यह अंकुर उस अंकुर के समान है, प्रकृत है मतलब जो स्वाभाविक है, सच्चा है ना, कर्तव्यनिष्ठ है, और इसको भी हमें शक्ति को दे देना चाहिए। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि यह मधु है, मतलब क्या है, शहद के समान है, इसे क्या है, स्वयं काल की मौना का युग संचय, मतलब जिसको स्वयं जो आपका समय रूपी मधुमक्खी है, देखिए मौना हुआ आपका मधुमक्खी, उसने क्या किया है, बहुत लंबे समय से उसको संचित किया हुआ है। ठीक है, कैसा शहद है वो, जिसको स्वयं काल ने क्या किया है, काल रूपी जो आपकी, काल रूपी से मतलब है समय रूपी जो मधुमक्खी है, उसने उसको संचित किया हुआ है, उसको संजोया हुआ है। ठीक है, जो आपका प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है, वो आपने देखा होगा कि आपने रामचंद्र शुक्ल के एक प्रसिद्ध उनका निबंध हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उत्साह, इनका शायद उत्साह है कि कुछ इस तरीके से, कि जो आपका सच्चा वीर, सच्ची वीरता किसका है, शायद वो उस वाले निबंध में ये बात कही गई है कि जो क्या होता है, वो टीन की भांति नहीं होता, लोहे की भांति होता, जो धीरे से क्या होता है, गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है कि यह दीप क्या है, मधु, यह दीप जो है वो मधु के समान है, शहद के समान है, ठीक है, जिसे स्वयं जो है, जो समय रूपी मधुमक्खी है, उसने बड़े लंबे अंतराल से संचित किया हुआ है, संजोया हुआ है ना, वो एकदम से तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, यह है गोरस, गोरस का मतलब है आपका जो दही या मक्खन, ठीक है, यह गोरस जीवन कामधेनु, ठीक है, तो जीवन को यह कामधेनु से यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से उपमित किया हुआ है, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, तो मतलब क्या है, ये प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है वो क्या है, दही या उस मक्खन के समान है, या फिर जो जीवन रूपी कामधेनु है, देखिए उसके जो आपका अमृत के समान पवित्र दूध को मथने से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कही गई है, और इसलिए वो अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिस तरह दही या मक्खन, दही से मक्खन बनने की जो प्रक्रिया लंबी है, उसी प्रकार सृजनशील व्यक्ति भी क्या होता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, और उसके बाद उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये चीज यहां पर अज्ञेय जी कह रहे हैं, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, मतलब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो क्या है, वो अंकुर के समान है, फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, कि वो उस अंकुर के समान है जो उस सख्त धरती को भी फोड़ देता है और रवि को निर्भय होकर, निडर होकर तकता है, उसके साथ एक तरीके से दो टूक आंखें मिलाता है उसके साथ। ठीक है, तो उस अंकुर के समान है वो, जो धरती का सीना फाड़ के निकलता है, ठीक है, चीर के निकलता है, और रवि को तकता निर्भय, और वो जो है सूर्य को क्या करता है, निडरता के साथ देखता है। ये चीज यहां पर देखिए कहने की बात, जो आप
अज्ञेय की कविता में देखते हैं कि इन्होंने जो आपका सृजनशाली व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो सर्जक है, उसको इस दृष्टि से वो देखते हैं। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, कि वह क्या है, प्रकृत है, स्वाभाविक है, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही है, स्वयंभू, जिसे खुद, जिसने खुद को बनाया हो, जिसने अपनी किस्मत स्वयं अपने हाथों से लिखी हो, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहने की बात कही हुई है। ठीक है, ब्रह्म है वो परम सत्ता, मतलब शक्तिशाली, अयुतः, अयुतः मतलब वैसे 10,000 होता है, लेकिन वो उन 10,000 लोगों के समान क्या है, बिल्कुल इकलौता है, जो आपका सृजनशील व्यक्ति है या जो आपका प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो इनकी जो प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो विशेषताएं यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश यहाँ पर की हुई है अलग अलग उपमानों से, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। इसको भी शक्ति को दे दो, तो ये आगे कह रहे हैं कि इस को क्या है, इसको भी शक्ति को देने की ज़रूरत है, मतलब समाज के लिए इसको समर्पित कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ताकि समाज जो है वो और समाज के लिए वो ज़्यादा क्या हो सके, श्रेयस्कर साबित हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कहने की बात कही गई है। क्लियर है इतना तक, यहाँ तक देखिए आगे है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, कि यह जो दीपक है वो अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ है, प्रतिभा से भरा हुआ है, हुनर जिसके अंदर है, ठीक है गर्व भरा मधमाता, वो गर्व से भरा हुआ है और उसमें क्या है, जो मस्ती में चूर है ना, इसको भी हमें क्या दे देना चाहिए, पंक्ति को दे देना चाहिए या फिर समाज को दे देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो नेक्स्ट है देखिए, इसके पश्चात आगे क्या कहते हैं, आगे है देखिए, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो देखिए यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं ये, कि ये जो दीपक है देखिए, यह विश्वास नहीं जो अपना लघुता में कांपा, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा विश्वास है उसको, कि जो अपनी लघुता मतलब छोटेपन में भी वो कभी नहीं डगमगाया है ना, उसको अपने छोटे होने पर भी क्या थी कुछ उसको क्या है, मतलब आपका जो हुनरमंद व्यक्ति होता है उस वो अगर छोटा भी हो या मतलब उसके पास साधन भी ना हो, साधन संपन्न भी ना हो, फिर भी उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता नहीं है। तो यहाँ पर कहने की बात क्या कही गई है, देखिए जो सृजनशील व्यक्ति होता है आपका, वो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पर अज्ञेय जी ने बताने की कोशिश की गई है कि उसका विश्वास जो है वो कभी डगमगाता नहीं है। ठीक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो उनका डटकर मुकाबला करता है, और यही जो अकेला दीपक है या जो अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये चीज़ हम उसमें भी देखते हैं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, मतलब वो उस पीड़ा को, वो पीड़ा के समान है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है, कि उस पीड़ा को, पीड़ा के समान है वो, जिस पीड़ा की गहराई को सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ा ने ही समझा हुआ है, जिसने नापा हुआ है उसको, है ना, मतलब जिसने उसको सहा हुआ है, वही उस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, वो उस पीड़ा के समान है जो अग्निदीप अकेला है या जो अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, कि निंदा का शिकार वो भले ही होता हो, है ना, उसका अपमान होता हो, उपेक्षा करता हो समाज चाहे, वह फिर भी क्या करता है, करुणा से भरा रहता है। यहाँ देखिए कुत्सा लिखा हुआ है, अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, कि इन सब चीज़ों के अंदर रहकर भी वो क्या होता है, सदा द्रवित, द्रवित होता है आपका करुणामय रहता है, जिस जो कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहता। ठीक है, जो अपने में मदमस्त रहता है, चिर जागरूक, चिर जागरूक से अभिप्राय है देखिए, वो बिल्कुल सावधान रहता है, हमेशा सतर्क रहता है, सचेत रहता है, जागरूक रहता है, आंखें प्रेम से उसकी भरी रहती हैं, ये चीज़ अनुरक्त प्रेम, मतलब जो प्यार भरी आंखें, मतलब हर एक जनमानस के लिए उसमें प्रेम की जो चीज़ है वो देखने को मिलता है प्रेम। ठीक है, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, उलंब बाहु का मतलब है कि जो अपनी बाहें या भुजाएं ऊपर की ओर किए हुए हैं, मतलब हम कहते भी हैं कि वो जो है बिल्कुल क्या है आपका, सारे विश्व को समाहित, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब कि सब विश्व को जो है अपनाने का वो भाव रखता है। ठीक है, ये चीज़ उसमें हो है, वो उलंब बाहु है, यह चिर अखंड अपनापा। ठीक है, कि ये जो विश्व है उसको अपनाने का भाव रखते हुए जो ऊंचे आदर्श वो स्थापित करता है और श्रेष्ठ भावनाओं को
स्वागत वो करता है, ठीक है, चिर अखंड अपनापन, मतलब अपनापन उसमें है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, ठीक है, कि वो क्या है, जिज्ञासु है ना, तो वो ठीक वैसा ही है। और इसका जो अपनापन है वो कभी भी खंडित, या यहाँ पर लिखा है देखिए, यह चिर अखंड अपनापा, ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए यह चिर खंड अपनापा, कि इसका अपनापन भी कभी भी क्या है, खत्म नहीं होता या खंडित नहीं होता या वो कम नहीं होता, वो सबको समानता की नज़र से, अपनेपन के भाव से देखता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, कि सदैव जो है वो उसमें क्या है, पूर्णता विद्यमान रहती है, वो जिज्ञासु है, मानवता में विश्वास रखता है, और जो उसका जो मानवता में विश्वास है वो कभी भी नहीं डगमगाता है। ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। प्रबुद्ध का मतलब था आपका जागृत रहता है और आस्था और प्रेम से परिपूर्ण है ना, इस व्यक्ति के प्रेम व समर्पण को समाज की जो है आध्यात्मिकता से जोड़कर क्या देखा जाता है यहाँ पर, देखिए कि जो ऐसा व्यक्ति है जो श्रद्धामयी है, श्रद्धामयी से आपका मतलब है कि वो आध्यात्मिक है, और उसकी आध्यात्मिकता से हमें क्या करना है, से उसको जोड़कर समाज को आध्यात्मिकता का जो है आध्यात्मिकता के तौर पर श्रेष्ठ बना देना चाहिए। ये पंक्तियाँ यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि इसको भी भक्ति को दे दो, ताकि समाज को भी क्या बनाया जा सके, आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आखिर वाली जो ये पंक्तियाँ हैं देखिए, यहाँ पर सृजनशील व्यक्ति की परिस्थितियाँ हैं वो बताई गई हैं, कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो अपना विश्वास, आत्मविश्वास कभी नहीं खोता है, ठीक है। और इन पंक्तियों से ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो आध्यात्मिक रूप से हमारे समाज को क्या बनाना है, समृद्ध बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, आखिर की पंक्तियों से ये चीज़ पता चल रही है। तो नेक्स्ट कहते हैं देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, कि यह जो दीपक है ये अकेला है ना, ये समाज के काम आना चाहिए, इसलिए इसको भी पंक्ति में दे दो, इसको कतार में रख दो, ताकि और ज़्यादा वातावरण क्या हो, आपका प्रकाशमान हो, है ना, उस अंधेरे में जो प्रकाश की किरण है, उस प्रकाश की किरण बनकर जो है निंदा अपमान घृणा और अवज्ञा को दूर करता हुआ जो अनुकूल वातावरण है वो तैयार किया जा सके, इसलिए इस दीपक को जो है जो अकेला है उसको भी हमें पंक्ति को दे देना चाहिए, या फिर समाज को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये छोटी सी कविता थी अज्ञेय की, और मैंने इसको थोड़ा सा अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगर आप इसमें कुछ एक भी गलतियाँ लगती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।